हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3। इससे पहले के जो दो पार्ट हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप एके स्टडी को जरूर फॉलो करें, आपके एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड सारी अपडेट मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने टर्म 2 की तैयारी इतने अच्छे से नहीं की है जितने अच्छे से आपको करनी चाहिए थी, तो आपके लिए मैं एक मास्टर क्रैश कोर्स लेके आया हूँ। इसमें सारे चैप्टर जो भी टर्म 2 में आ रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कम टाइम में। तो अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, akstudy.in ये वेबसाइट है। कमेंट में मैं ये लिंक पिन भी कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। मतलब एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें दी गई है 2 × r, और हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम इनमें से कौन सा होगा। ठीक, तो देखो जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल आर तो दी नहीं, इसकी वैल्यू 2 × r दी है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले रेडियस फॉर्मूले में यूज़ करूँगा कैपिटल आर, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 2r। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको फिगर समझाऊँ तो ये स्फीयर है अपना, स्फीयर का फील देने के लिए चलो क्रिकेट की गेंद जैसा बना देते हैं इसे। इसकी जो रेडियस है ना, इसको मैंने कैपिटल आर बोला है, जो कि हमें कितनी दी गई है 2 × r। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 4/3 π, जो रेडियस है कैपिटल आर वो हमें कितनी दी गई है 2 × r। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 × r, और इसका क्यूब है तो ये हो गया 4/3 π। अब देखो 2 का क्यूब हो गया 8 और r का क्यूब हो गया r³, यानी कि ये हो जाएगा 8r³। इसके बाद 8 × 4 = 32 हो गया, डिवाइड बाई ये 3 और ये πr³। ठीक है, तो 32/3 πr³ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, 32/3 πr³। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 cm इज 5 times द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 4 cm। मतलब यहाँ पे एक स्फेयर है और यहाँ पे एक कोन है। जो स्फेयर है इसकी रेडियस है 5 cm और जो कोन है इसकी रेडियस है 4 cm। हमें ये बताया गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होगा वो 5 times होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। हमें बताना है हाइट कितनी है और वॉल्यूम कितना है कोन का। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, स्फेयर और कोन। तो यहाँ पर जो स्फेयर की रेडियस है, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कैपिटल आर। अब ये सर्कल जैसा दिख रहा है, आपको थोड़ा फील आए कि ये स्फेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिकेट की गेंद जैसा डिजाइन बना दिया, ये बनाना हालांकि ज़रूरी नहीं है। अब देखो जो स्फेयर की रेडियस है जिसे मैंने कैपिटल आर बोला, ये हमें पता है कितनी है 5 cm। इसके बाद एक कोन की बात की गई है, तो मैंने एक कोन बनाया और जो ये कोन है इसकी रेडियस को मैंने बोल दिया स्मॉल आर। तो कोन की रेडियस से मेरे पास 4 cm। ठीक, हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो स्फेयर का है ये बराबर है 5 times यानी कि 5 × में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। ठीक है, इतनी बात हमें बताई गई है, रेडियस बताई गई है स्फेयर की, रेडियस बताई गई है कोन की, और ये बोला गया है कि जो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा स्फेयर का वो 5 times होगा कोन के कर्व सरफेस एरिया के। ठीक है, और हमें हाइट और वॉल्यूम निकालना है, तो हाइट को मान लेते हैं, हाइट जो इसकी वो h है। ठीक है, पहले h निकालेंगे तभी वॉल्यूम निकलेगा। ठीक, तो हाइट h मान ली। अब देखो यहाँ से क्या निकल सकता वो देखते हैं एक बार। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4πr² 4πr, r क्या है इसका? कैपिटल r, बराबर 5 × में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr l, इसका r है स्मॉल r, तो स्मॉल r लिखा, और l, एल क्या है इसकी? स्लेंट हाइट। ठीक, मतलब ये वाली हाइट। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ हो गया 4 और यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो मतलब 4 × में 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5। यहाँ पे आया 5 × में आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, और एल, एक 5 से 1 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई 5 cm। एल की वैल्यू तो पता लग गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था एच,
ठीक है, लेकिन हमने एल क्यों पता लगाया, क्योंकि अगर हमें एल पता है और आर पता है तो हम एच निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या, जो 90 के सामने वाली साइड है यानी हाइपोटेन्यूस यानी कि एल, इसका अकेले का स्क्वायर बराबर होगा जो बाकी दो साइड बच गई, मतलब एच और आर, इनके स्क्वायर का सम। तो मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर होगा एल के स्क्वायर के, यहाँ आप लिख सकते हो चाहो तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमें नहीं पता, एच तो निकालना ही है। आर की वैल्यू हमें पता है 4 है, एल की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई है, 5 आई है, तो लिख दो। तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो एच स्क्वायर 9 है, तो एच मतलब होगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, बट एच नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर बोलेंगे बट एच हाइट है, मतलब एक तरह की लेंथ है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मतलब हम माइनस में नहीं लेंगे सिर्फ प्लस में लेंगे। तो एच की वैल्यू हो गई 3, अंडर रूट 9 क्या 3, प्लस माइनस दोनों था बट हमने सिर्फ प्लस 3 लिया, ठीक है, क्योंकि एच क्या है, हाइट, मतलब एक तरह का डिस्टेंस है ये जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो एच आ गया 3 सेंटीमीटर। अब जब हमें एच पता है तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं भाई। हमसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 4, ये तो दी हुई थी, इंटू में एच की वैल्यू कितनी आई 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 22 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया, डिवाइड बाई 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 2 जा 32 का 2 कैरी गया 3, फिर 16 2 जा 32 और 3 35 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया, दी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 × 10 × 5 इज। मतलब एक रूम है जो जाहिर सी बात है क्यूबॉइड की शेप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी गई है, इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल बताना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर कराया था, ये होता है डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद रखना। जब भी आपसे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल पूछी जाए तो मतलब वो जो पोल होगा आप उसके डायगनल के अलोंग रखोगे और डायगनल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो एल की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 5, तो मतलब ये जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, जोड़ोगे 100 प्लस 100 200 प्लस 25 225, इसका अंडर रूट होगा 15, तो मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड हो जाएगी 15 मीटर। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई टोटल सरफेस एरिया बता दो किसी कोन का जिसकी रेडियस है स्मॉल आर बाई टू और स्लेंट हाइट है 2 × स्मॉल l, मतलब अपने पास है एक कोन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कोन बनाया। अब जो ये कोन है इसकी जो रेडियस है ये r बाई टू है, चलो रेडियस को अगर मैं कैपिटल r बोल दूँ तो कैपिटल r की वैल्यू दी गई है स्मॉल r बाई टू, और जो इसकी स्लेंट हाइट है, चलो स्लेंट हाइट को l डैश बोल देते हैं, तो जो l डैश है वो अपने पास है 2 × स्मॉल l। अब देखो हमसे बात की गई टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर, लेकिन एल की जगह एल डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया पाई, आर की जगह आर बाई टू, एल डैश की वैल्यू कितनी है 2 × स्मॉल l और आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर बाई टू। अब देखो अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं तो बिल्कुल ये मैच हो जाएगा इससे, कैसे, देखो यहाँ से पाई आर को बाहर रहने देते हैं, जब ये 2 अंदर जाएगा तो नीचे 2 ऊपर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एल बचेगा प्लस, जब ये वाला 2 इधर जाएगा तो आर इंटू 2 × 2 = 4 यानी कि आर बाई 4 हो जाएगा। ये किससे मैच हो रहा है, बिल्कुल
इससे मैच हो रहा है। तो ये भी हो गया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन रेशो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशो ऑफ 5:3, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, मतलब दो सिलेंडर हैं उनकी रेडियाई का रेशो है 2:3 और इनकी हाइट्स का रेशो है 5:3, हमें बताना है इनके वॉल्यूम का क्या रेशो होगा। तो जो पहला सिलेंडर है उसकी रेडियस को मैं R1 बोल देता हूँ और जो दूसरा सिलेंडर है उसकी रेडियस को मैं R2 बोल देता हूँ। अब देखो जो रेडियस का रेशो है 2:3 है, मतलब अगर पहली रेडियस में 2x बोलूँगा तो दूसरी 3x हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से अगर मैं पहले सिलेंडर की हाइट को H1 बोलूं और दूसरे सिलेंडर की हाइट को H2 बोलूं, तो हाइट्स का रेशो कितना है, हाइट्स का रेशो है 5:3। तो मतलब अगर पहले की हाइट में 5x लूंगा तो दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो V1/V2 लिखा मैंने। अब क्योंकि ये सिलेंडर्स हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो यहाँ पे 1 वाला वॉल्यूम है मतलब हाइट 1 और रेडियस भी 1 वाले की आएगी और ये हो जाएगा πr²h, ये वॉल्यूम 2 है तो रेडियस 2 एंड हाइट 2 आएगी, तो ये कट गया। अब यहाँ पे r1²h1, तो r1 यानी 2x इसका स्क्वायर हो गया, ये 2x का स्क्वायर इंटू में h1 है, h1 की वैल्यू है 5x, तो इंटू में आ जाएगा 5x डिवाइड बाई क्या है r2²h2, तो r2 कितना है 3x, यानी 3x का स्क्वायर इंटू में h2 कितना है 3x है, तो यहाँ से x कट गया। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², मतलब ये हो गया 4x², ठीक है, और इंटू में क्या बचा हुआ है 5, और नीचे हो जाएगा 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर इंटू में 3, x² से x² कट गया। यहाँ पर कितना है देखो, 4 5 20 और 9 3 27 यानी कि हो जाएगा 20/27। तो अगर मैं रेशो की बात करूँ तो हो जाएगा 20:27, ठीक है, तो 20:27 कौन है, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, अब अगला देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 cm to 12 cm एज एयर इज बींग पम्प्ड इनटू इट, मतलब जैसे जैसे हवा भरी जाती है एक हेमिस्फेरिकल बैलून में वैसे वैसे इसकी रेडियस 6 cm से बढ़ के 12 cm हो जाती है, हमें बताना है कि क्या रेशो होगा इनके सरफेस एरियाज का, ठीक है। तो जो पहले रेडियस थी उसे मैं R1 बोल दे रहा हूँ, तो पहले R1 यानी पहले रेडियस थी 6 cm, जब इसमें हवा भरी गई तो 12 हो गई, तो उसको मैं R2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही केस में मुझे क्या निकालना है, इनके सरफेस एरियाज का रेशो, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया पहले केस में और टोटल सरफेस एरिया दूसरे केस में, मतलब जो हवा भर की गई, ठीक है। ये क्या है देखो, हेमिस्फेरिकल बैलून है तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr² 3πr1² और 3πr2² 3π से 3π कट गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, r1² नीचे r2² r1 की वैल्यू 6 तो 6² और नीचे 12² तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 1 6 2 6 1 6 2, तो ऊपर क्या बचा हुआ है 1 × 1 यानी कि 1/2 2 × 2 यानी कि 4, तो मतलब क्या है कि रेशो हो जाएगा 1:4, तो 1:4 कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।